तो यहाँ पे मौसी शादी के लिए, ये क्या होता है, मौसी को, मौसी आएगी तो पूछेंगे कैसा बना खाना, नमक कम है। हम अभी इलाहाबाद में, आप सभी को पता है, और वही से पुराना वही किचन जिस किचन प्रॉब्लम हो जो जानते हो, इलाहाबाद में आए गए तो किचन, इसी किचन में खाना बनाया था, बहुत सारा कमेंट आया आपका, मौसी का किचन बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और आज हम बना रहे हैं कोहरा का सब्जी, रेसिपी नहीं बताएंगे, कोहरा जी बता रहे हैं, कोहरा का सब्जी हम बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, दाल चावल बस। इतना गर्मी में ना सादा सादा खाना ही हमको लगता है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आम दाल हो जाए, उसके बाद हम बनाए थे आम दाल, अभी आम मिल नहीं रहा है, तो आज भी आम दाल बनाते हैं, खट्टा खट्टा दाल अच्छा लगता है। और हमको पार्लर जाना है, दो दिन से बोले, लेकिन हम टाइम इतना गर्मी है ना, बाहर धूप दे के बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। मेन बात ये है, अभी हम सो के उठे, ब्रश किए, नाश्ता किए, खाना बना रहे हैं, मायरा को खिला लिए, फिर हम नहा लेंगे बनाने के बाद, थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे पार्लर। मौसी आज बोली मायरा को हम रख लेंगे, और मायरा तो सबके पास रही जाती है, तो हम अभी बोल ही जाएंगे, पता नहीं, अगर ये ट्यूशन नहीं जाएगी तो हम अम्मी बोल जाएंगे, और अगर ये ट्यूशन जाएगी तो हम अकेले जाएंगे। चलो जल्दी से कोहरा का, किसको किसको पसंद है कोहरा, कद्दू, कद्दू भी बोला था ना इसको, ना कोहरा सिर्फ कोहरा, और कुछ तो बोला, कद्दू बोलते है इसको, तुम कुछ नहीं जानता। हाँ कद्दू भी बोलेगा इसी को, गजब इंसान है। नहीं कद्दू शायद लौकी को बोलता है ना। हाँ देखो इसका सब्जी हमको बहुत अच्छा लगता है, मौसी जो बनाता है इसका सब्जी, कल रात में मौसी इसका सब्जी बनाएगी, बहुत टेस्टी। बस सब कुछ बन गया, चावल दाल बाकी है, वो भी तुरंत बन जाएगा, क्योंकि कुकर में बनाना है दोनों चीज़। उसके बाद रेडी होकर निकलते हैं, फिर हम आप लोगों के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मौसी शादी के लिए, ये क्या होता है, मौसी को, मौसी आएगी तो पूछेंगे, सजाई बहुत सुंदर करके, कितने सुंदर देखने में लग रहा है ना मौसी सर, ये क्या होता है, ये वो ऐसे ऐसे करके जो ऐसे परछाते ना, वो खोई टाइप का कुछ ना, खोई भी जब दुनिया आते हैं तो गाड़ी में रहते हैं ना, रंग करना पड़ता ना उसे, हल्दी से रंग कर रहा है, नहीं कलर है ये, वो गोल्डन कलर। अभी इसको भी पूरा मटका सजाना, मिट्टी का है ना उसे, ये मटका भी करना है, और ये टब जो है वो भी करना है। तो ये सब मौसी पेंट करेगी, अभी सजाएगी बहुत सुंदर करके, जब पूरा हो जाएगा ना कंप्लीट, तब दिखाएंगे हम आप लोगों को। और ये कितना पुराना है ये वाला राधा कृष्णा मौसी, बहुत सुंदर भी लगता है, देखते ही मायरा क्या कर रही है। और ये लड़का गोरा होने के लिए पूरा शरीर में हल्दी लगा के खड़ा है, गोरा मौसी वो जोंटा भी यहाँ पे गोड़ा हो गया, जोंटा बजाएगा घंटा। आज हम पहने हैं एक येलो कलर का साड़ी, येलो नहीं मास्टर्ड कलर का साड़ी, जो कि हमको पूनम दी के घर गए थे, पूनम दी के तरफ से हमको मिली, और मायरा भी सो रहे हैं, सो रही है मायरा अपनी दादी के साथ। और यहाँ पे कूलर चल रहा है तो बहुत गैंग है, यहीं करके आवाज़ आ रहा है, तो हम इधर से निकलेंगे भी पार्लर के लिए, तभी हम आप लोगों से मिलते हैं। तो मुझे लगा है भूख, और आप इधर देखो क्या मौसी एकदम मस्त, मौसी का लेफ्ट हैंड ज़्यादा चलता है, बड़ा बिंदी लगा दी ना, हमको मम्मी मम्मी लग रहा है मौली को, तो पार्लर तो मम्मी मम्मी बन गई, तो मम्मी मम्मी नहीं लगोगी ना, मौली को बोला तो हमको मम्मी बोलेगी पार्लर जाके, मौसी बोले पागल है क्या, इसमें केरोसिन से लग रहा मौसी, ये सूख जाएगा, एक टाइम का और डालना, अनुभव अच्छा था केरोसिन से लगा सुना, ये रियल गरम था पूरा, इसलिए एक बार पीने जा रही थी करासन तेल, नहीं हाँ इतना अच्छा था, सुनते पीने जा रहे थे, मार खाया मम्मी।
इतना अच्छा लगता है मुझे। ये शादी में लगेगा मौसी, ये कलश लगेगा ना वहाँ पे, पानी इसी में भरा है। अच्छा, ये भूख लगा है हमको, सबसे पहले जाके खाते हैं। मैं नीचे खाया पूरी सब्जी, वो अच्छा लगता है ना वो वहाँ का। हाँ, दम आलू मौसी को बोलेंगे एक दिन बनाने। यहाँ का दम आलू बहुत टेस्टी लगे, ज़्यादा मत देना, थोड़ा सा देना, बस बस हो गया। मत तो और मत तो खाएंगे तब ले नहीं, बर्बाद होगा ना। यहाँ का चावल अच्छा। अरे तो इतना मत तो ना, पेट फूल जाएगा फिर, एकदम मोटा हो जाएंगे अपनी। ऐसे क्या देख रही हो जी, पूरा एकदम साड़ी पहन के, क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केटिंग करने। वो सीधा खड़ा रहो, झुक के रहती हो पीछे एकदम, ऐसा लग रहा है कि एकदम अभी से बुढ़ी होगी। शॉपिंग क्या बोली अभी, मार्केटिंग करने ना। हाँ, मार्केटिंग करने। क्या गर्मी में हमको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मौसी आपको मन नहीं कर रहा आइसक्रीम खाने का? तुम कभी भी नहीं मतलब डाइट फॉलो करोगे, तुम ऐसे कैसे ही रहोगे? सही बात, हम डाइट फॉलो करते हैं, रोटी खाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा गाइस। आपको विश्वास नहीं होगा गाइस, मासी कहती है हम डाइट करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा गाइस। हाँ गाइस, आपको विश्वास नहीं होगा गाइस। एक बार बोल क्या दिए इतना प्यार से, खिलाई तो खा लेंगे इतना प्यार से। लाओ, खिलाएंगे नहीं तो खिलाने कौन बोल रहा है? ये लो पकड़ो, हम खाएंगे। आज चावल देखिएगा उड़ के आपका मुंह में ना घुस जाए, चावल इतना हवा के सामने। हम कैमरा पकड़ना भूल गए। इतना गर्मी है, लग रहा है पाउडर से नहा के यार। ए नीचे वो ठंडी कूल वाला पाउडर है क्या? कैसा बना खाना? नमक कम है, कम लग रहा भैया को नमक। नमक खाना खराब भी हो तो कैमरा में बोलना है अच्छा बना। क्या बोलना है? बहुत टेस्टी बना। तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली, 2 घंटा वेट के जॉन्टी नहा रहा था। क्या करता है बाथरूम में हमको नहीं पता। एक लड़की भी, हम भी अगर ज़्यादातर नहाए हैं ना तो 40 मिनट, आधा घंटा ठीक है, 2 घंटा क्या करता है बाथरूम में? पबजी खेलते हैं बाथरूम में। और पता है उसके बाथरूम में क्या लगा हुआ है, हम दिखाते हैं, पंखा लगा हुआ है क्योंकि वो 2 घंटा बाथरूम में सोता है। हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। लाइट नहीं है, हम बाद में दिखाएंगे जब पार्लर से आ जाएंगे ना, तब देखो अंधेरा है वहाँ क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। कहाँ है जो आंटी? बाहर बाहर है, चलिए जल्दी। आपको कौन सा पसंद आया? जॉन्टी जो पहना है वो, उसका पैकेट का लुक बहुत कूल दिख रहा है। पैकेट खेल लिया है। ये कौन सा ले रहा है? बड़ी चाहिए, बड़ी है। अगर फिटिंग ये चाहिए तो उससे बड़ी फिटिंग। ये कलर पसंद क्यों? यहाँ पे खरीदारी हो रहा है पंजाबी का, और हम लोग, मेरा जो जो लेना है, हल्दी हल्दी मेहंदी के लिए मेरा सब कुछ ले लिए, और ये इंसान को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब वो पसंद क्यों नहीं आ रहा है? बाल में लग रहा है काक का वासा कर लिए। हाँ, कौवा का घोंसला वही होता है, काक का वासा। और यहाँ पे बहुत अच्छा चमको लग रहा है। बंगाल में नहीं हो, अरे लड़कियों का होता तो हम लोग 10-12 ले चुके होते ना। सही में पड़ा पट पसंद करते हैं ऐसे यूं ही। अरे बोलने दो अभी दिन। जॉन्टी फाइनल कब करोगे, आज या कल, कि क्या पहनेंगे हम? देखिए भाभी, ये तो बाबू के ऊपर है, बाबू पसंद कर ले तो। अब मेरा सोना के ऊपर नहीं है, रिसेप्शन टाइप। ये है बाबू और वो है मेरा सोना। ये जादू, ये टोना।
और वो है और ये है दिल का कोना कोना हम भी मैचिंग कर ले बाबू कोने में बैठे तो अभी आया मेरा हेयर कट का टाइम और इतना बाल मतलब गिरा था नीचे, हमको देख के रोना आ रहा था। 2 साल से बाल नहीं कटवाए थे तो एक अलग सा ही प्यार आ गया था हमको बाल के ऊपर। हम आपको दिखाएंगे, नीचे ही गिरा था बाल। फाइनली मेरा ये लुक आया और पूरा एकदम चुड़ैल की तरह लग रहा था, पूरा बाल आगे कर दिया था मेरा। और इतना दिन बाद हम बाल काट रहे थे, हमको रोना आ रहा था। हम उनको बोला भैया तो ज़्यादा छोटा मत कीजिएगा, बोले कि नहीं आप लोग मेरा फेस देख ही सकते हो कितना डर रहे हैं हम। उनको बोले भैया एकदम ज़्यादा छोटा नहीं कीजिएगा, तो फाइनल हो जाएगा ना उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते कि कैसा लग रहा है। कंटिन्यू करे और आईफोन से एंड्रॉयड में लेने में बहुत दिक्कत होता है और हम ई व्लॉगिंग एंड्रॉयड में किए थे तो सोचे कि ठीक है सुबह ही स्टार्ट करते हैं। तो मेरा हेयर कट आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। हम थोड़ा सा हमको लग रहा था कि ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो बाबू हमको बोले बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम खुश हो गए। तो चलो अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है तभी कॉम्प्लीमेंट देते हैं बाबू, नहीं तो मुँह पर टोक देते कि अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे बाल कटा के आ गई हो। तो अच्छा ही लग रहा होगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये न्यू लुक हमको कमेंट करके बताना। सामने शायद लेयर किया है, पीछे बस ट्रिम कर दिए है, क्योंकि उस टाइम सडन माथा में कुछ नहीं आता कि क्या करें। बहुत दिन बाद 2 साल बाद फाइनली हम मेरा हेयर कट किए हैं, तो आप लोग जरूर बताना ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। और शॉपिंग वगैरह कल बहुत हुआ, उसका व्लॉगिंग नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा कल मस्ती में लग गए थे। आज से जो भी शॉपिंग वगैरह हुआ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जरूर जरूर जरूर। तो अभी ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।